हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो अभी हम लोग रेशियो एनालिसिस का सम सॉल्व कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट रेशियो में और भी कंपोजिट रेशियो भी पढ़ा दूंगा, डेटर क्रेडिटर तो सब लिखता हूँ, बस तुम्हारे लिए 15 मिनट के अंदर सम सॉल्व कर दूंगा। कैल्सी का अरेंजमेंट करो, जल्दी लाओ, इधर है ना कैल्सी, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले ये अपने को बैलेंस शीट दिया है और बैलेंस शीट के नीचे और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है और इधर बोला है वी हैव टू फाइंड लिक्विड डिफरेंट डिफरेंट रेशियो, राइट। तो पहले मैं क्वेश्चन तो है इधर, मैं सबसे पहले बैलेंस शीट रेशियो सॉल्व करता हूँ, फिर जो पूछा वो वाला सॉल्व कर रहा था। तो बैलेंस शीट रेशियो में सबसे पहले मैं करंट रेशियो सॉल्व कर रहा हूँ। व्हाट इज करंट रेशियो? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो पेंसिल ले लेता हूँ। तो करंट एसेट मतलब छोटा मोटा एसेट होता है, तो ये जो दिख रहा है ना प्रीमरी एक्सपेंस को फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिक्टिशियस एसेट। तो ये करंट एसेट है, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश, रोकड़ा, स्टॉक, करंट एसेट, अदर करंट एसेट, है ना। फिक्स एसेट को नहीं छूना है, प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट होता है ना। ये फिक्स एसेट में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर आ गया ना, गुडविल हो सब। तो करंट एसेट में क्या क्या नाम है वो नाम डाल देते, राइट। तो मैं इधर बुक रख लेता हूँ। तो क्या क्या है? डेटर्स आया, डेटर्स के बाद क्या है? बिल रिसीवेबल आया, बिल रिसीवेबल के बाद क्या है? कैश आया, कैश के बाद क्या है? स्टॉक आया। दिस ऑल आर करंट एसेट, ओके। अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट्स, और एक आया अपना प्रीपेड एक्सपेंस। क्या आया अपना? प्रीपेड एक्सपेंस। क्या आया? प्रीपेड एक्सपेंस। ये सब क्या हो गया तुम्हारा? करंट एसेट्स हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा? क्रेडिटर आएगा, टैक्स आएगा, बिल्स पेबल आएगा, ओवरड्राफ्ट आएगा, डिविडेंड आएगा, राइट। ये सब अपना क्या हो गया? करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। ये अपना सब क्या हो जाएगा? करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा? क्रेडिटर आया, क्या आया? क्रेडिटर्स, टैक्स, क्या आएगा? टैक्स। टैक्स के बाद बिल्स पेबल, ओवरड्राफ्ट भी करंट लाइबिलिटीज है, और होता है प्रपोज डिविडेंड, जो डिविडेंड कंपनी को देना है। दिस ऑल आर करंट लाइबिलिटीज। अभी क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी क्या करेंगे? सबका अमाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबका अमाउंट। तो डेटर्स का अमाउंट कितना है? डेटर्स का अमाउंट 68 प्लस बिल रिसीवेबल कितना है? 12,000। विदाउट बैलेंस शीट सॉल्व करें हम लोग, राइट। कैश 32,000, स्टॉक 38,000, और स्टॉक के बाद क्या है? अदर करेंट एसेट 68, और एक है अपना प्रीपेड एक्सपेंस 5,000। ये करेंट एसेट का अमाउंट हो गया। और करंट लाइबिलिटीज में क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स 48, फिर टैक्स 20,000, फिर इसके बाद बिल्स पेबल 32, फिर ओवरड्राफ्ट 22, और डिविडेंड कितना है? 20। अभी सबको क्या करेंगे? ऐड करके डिवाइड कर देंगे ना। तो 68 प्लस 12,000 प्लस 32,000 प्लस 38,000 प्लस 68,000 प्लस 5,000, तो करंट एसेट का टोटल है 223,000। नाउ वी हैव टू ऐड ऑल करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज है 1,42,000 फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो इतना है। अभी दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 223 को डिवाइड करेंगे 142 से, राइट। ऊपर वाले को नीचे वाले से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो आंसर है 1.57। क्या है? 1.57 लिखेंगे, दो डॉट बना के वन डालेंगे, मतलब ये करंट एसेट से और करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज इतना है तो करंट एसेट इतना है। तो एक फॉर्मूला तुम्हारा सॉल्व हो गया, राइट। अभी करंट एसेट के बाद क्या सॉल्व करेंगे हम लोग? लिक्विड रेशियो। क्या निकालेंगे? लिक्विड रेशियो, जो क्वेश्चन में पूछा भी है आप लोग, ओके। फर्स्ट रेशियो क्या पूछा? लिक्विड रेशियो। क्या फाइंड करना है अपने को? लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट क्विक लाइबिलिटी। लिक्विड का और एक नाम है एसेट रेशियो। क्या नाम है? और एक नाम है क्विक रेशियो। क्या है? क्विक रेशियो। तो क्विक एसेट्स में क्या आता है मालूम है? आप सुनो अच्छे से, जो तुरंत कैश में कन्वर्ट होता है ना वो क्विक एसेट होता है। तो डेटर क्विक एसेट से, बिल रिसीवेबल भी क्विक एसेट से, कैश भी क्विक है, रोकड़ा है ना। स्टॉक इज नॉट ए क्विक एसेट, तो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं होता है, तो स्टॉक को नहीं लेने का है। अदर करंट एसेट क्विक एसेट होता है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस इज ऑल्सो एडवांस पेमेंट किया ना, तो ये क्विक एसेट नहीं है, ये नॉन क्विक है। क्या ये? और जो मैंने जिस पे क्रॉस किया वो नॉन क्विक है, बाकी सब क्या है? क्विक एसेट है, इसलिए हम लोगों ने इसको कंसिडर किया। और क्विक लाइबिलिटीज में क्या आएगा? सब आएगा ओवरड्राफ्ट को छोड़ के, मीन्स क्रेडिटर आएगा, टैक्स आएगा, बिल्स पेबल आएगा, ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, डिविडेंड आएगा। क्या आएगा? डिविडेंड आएगा, राइट। तो अगर आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज मालूम पड़ गया ना, तो उसमें से क्विक एसेट और क्विक लाइबिलिटी लेना आसान हो जाएगा, राइट। अभी सॉल्व कैसे करने का? एकदम सिंपल है। जो करंट एसेट का टोटल है ना 223,000 है, तो जो नहीं लिया उसको माइनस कर दो ना। स्टॉक का अमाउंट कितना था?
38 स्टॉक का अमाउंट कितना है 38 तो 38 माइनस कर देंगे और क्या नहीं लिया हमने प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस कितना है 5000 वो माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिला मालूम है क्विक एसेट्स का टोटल 180000 क्विक लाइबिलिटीज का टोटल कैसे आएगा ये 1,42,000 है उस पर तो ओवरड्राफ्ट को वटा दो ओवरड्राफ्ट कितना था अपना मालूम है क्या 22000 तो 22000 कम करेंगे ना तो आपको क्विक लाइबिलिटीज मिलेगा अब इसको क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे 180000 डिवाइड बाय 120000 तो आया 1.5 ये 1.5:1 ये हो गया क्विक रेशियो क्या हो गया तुम्हारा क्विक रेशियो ओके अभी नेक्स्ट है स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या आएगा स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो स्टॉक के जगह पे क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा ठीक है कुछ भी नाम आएगा घुमा के स्टॉक का मटेरियल वर्किंग रेशियो तो स्टॉक में कौन सा अमाउंट उठाने का क्लोजिंग स्टॉक का किसका उठाने का क्लोजिंग स्टॉक तो कितना दिया क्लोजिंग स्टॉक 38000 क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 38 तो इधर आएगा 38 और व्हाट इज वर्किंग कैपिटल WC बोले तो वर्किंग कैपिटल तो यू शुड नो दैट वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट माइनस करंट तो करंट एसेट का टोटल है ना अपने पास 2,23,000 तो 2,23,000 में से 142 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो अपने को करंट लाइबिलिटीज मिलेगा 2,23,-142 तो आया 81000 कितना है 81 तो 81000 तुम्हारा क्या हो गया वर्किंग कैपिटल हो गया और इसको हमेशा ना इनटू 100 लेके सॉल्व करने का रहता ठीक है तो 38 डिवाइड बाय 81 परसेंटेज दबा दे तो 46% कितना है 46% ये क्या है स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल तो क्या फॉर्मूला है स्टॉक अपॉन व्हाट इज वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट ये ऑलरेडी इधर था ना यार इसलिए पहले वो करंट रेशियो निकाला था राइट पूछा नहीं देगा तो भी निकाल लो काम हो जाएगा अब है ना नेक्स्ट रेशियो क्या पूछा है मालूम है क्या दे आर आज डेप इक्विटी रेशियो क्या पूछा है डेप इक्विटी रेशियो डेप मतलब कर्जा होता है इक्विटी मतलब खुद का पैसा तो कर्जा को बोलते हैं बोरो फंड और ओन फंड को बोलते हैं खुद का पैसा ठीक है तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा तो बोरो फंड में मालूम क्या आएगा डिबेंचर्स आएगा क्या आएगा और बैंक लोन आएगा क्या आएगा इफ बैंक लोन रहता तो आता ओके बोरो फंड मतलब कर्जा और ओन फंड में क्या आएगा तुमको याद करना पड़ेगा याद करा दो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व माइनस एक्सपेंस आएगा है ना प्रीमरी एक्सपेंसेस जो भी एक्सपेंस रहेगा एसेट में माइनस करेंगे राइट तो अभी हमारे क्वेश्चन में लिखेंगे ये क्या है बोरो फंड तो बोरो फंड को ना डिबेंचर्स है ना यार कितना डिबेंचर्स 1,10,000 तो 1,10,000 ऊपर आएगा सिंपल ओन फंड मतलब खुद का पैसा ना इक्विटी प्रेफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व माइनस एक्सपेंस तो अभी ये सबको अभी लिखना पड़ेगा इसकी फैमिली इक्विटी शेयर 33 ये ओन फंड का हिस्सा होता है प्रेफरेंस शेयर 1,00,000 इट इज अ पार्ट ऑफ ओन फंड रिजर्व्स रिजर्व्स मतलब जमा किया पैसा यू कैन से दैट जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का करंट ईयर का प्रॉफिट ये भी ऐड होता है और माइनस क्या होता है फिक्टिशियस एसेट देखो ये दिख रहा है एक्सपेंस पढ़ो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वर्टिकल बैलेंस शीट में सॉल्व किया ना और क्या इसका दोष है शेयर इश्यू एक्सपेंस और क्या दोष है डिस्काउंटेड शेयर ये सब माइनस होता है तो 12,000 माइनस करेंगे तो जो ऊपर वाला आइटम है बोरो फंड है और नीचे वाला ओन फंड है अभी क्या करेंगे ऊपर का तो टोटल अवेलेबल है नीचे वाले को सॉल्व करना पड़ेगा ना तो 33 प्लस 1,00,000 प्लस 68 प्लस 32 माइनस 12,000 यह आया 5,18,000 कितना है 5,18,000 अभी क्या करेंगे सॉल्व कर 1,10,000 डिवाइड बाय 5,18,000 तो सॉल्व करके आया 0.21 क्या है 0.21 टू ले लेता और दो डॉट डॉट के वन मतलब कंपनी के पास खुद का पैसा ज़्यादा है और कर्जा कम है तो बहुत अच्छी बात है कंपनी हैज मोर ओन फंड देन बोरो फंड है ना तो कंपनी बहुत अच्छी है ये हमेशा वन के कम ही होना चाहिए तो डेप इक्विटी रेशियो भी आ गया अभी नेक्स्ट क्या सॉल्व करें हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटरी मतलब मालिक तो ओन फंड अभी तो मैंने बताया ओन फंड क्या क्या आएगा जल्दी बोलते इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना ये तुम्हारा ओन फंड है उसको बोलते शेयर होल्डर फंड अभी लास्ट का क्या पढ़ू टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है माने में क्या टोटल एसेट ये एसेट्स का टोटल लेना है कितना है 7,82,000 उस पर से ये माइनस करो एक्सपेंस थर्ड वाला लास्ट थर्ड 12,000 माइनस करेंगे तो ये टोटल में से 12,000 कम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा टोटल एसेट्स तो ऊपर का टोटल अपने पास अवेलेबल है एक मतलब कितना है 5,18,000 इक्विटी प्रेफरेंस ओन फंड का टोटल इधर है 5,18,000
और 7,82,000 में से 12,000 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, 80, 7,70,000 आएगा। तो इसको डिवाइड करके जो आंसर आया लिख दो ना, क्या मिला? प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या मिला? प्रोप्राइटरी रेशियो। अभी और एक फॉर्मूला है, कैपिटल गियरिंग रेशियो। क्या है कैपिटल? अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है ना, तो ये भी फॉर्मूला मैं याद करा देता हूँ। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या, ऊपर क्या पड़ो, बोरो फंड। तो बोरो फंड में डिबेंचर्स आते हैं, सिंपल। इधर मैंने प्लस की साइन बनाया, समझाता हूँ। इधर क्या लिखा, इक्विटी फंड लिखा है, और ये क्या लिखा पढ़ो, ओन फंड। तो इक्विटी फंड में क्या क्या आता है, पहले हम लोग ओन फंड लिखते हैं। बोलो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, माइनस वही फिक्टिशियस एसेट ना, प्रीमियरी एक्सपेंस माइनस होएगा। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या मालूम है क्या, ये प्रेफरेंस शेयर इधर नहीं आएगा, ऊपर आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो बोरो फंड और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऊपर आएगा, इधर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे, इधर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इधर से प्रेफरेंस शेयर हटा के ऊपर ऐड करने का, तो ये तुम्हारा कैपिटल गियरिंग रेशियो हो जाएगा। तो डिबेंचर्स कितना, 1,10,000 है, और प्रेफरेंस शेयर्स कितना था, प्रेफरेंस शेयर्स 1,00,000 था, वो नीचे नहीं लिखना है, किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इक्विटी शेयर कितना तुम्हारे पास, 3,30,000 है ना यार, ओके। प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं लेने का है, 68 आएगा, 32 आएगा, 12,000 क्या आ जाएगा, माइनस। इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा ना आंसर यार, इसको सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो में क्या आएगा, बोरो फंड और प्रेफरेंस शेयर्स जो बाहर से अरेंजमेंट किया है, इधर ओन फंड नहीं आएगा, इक्विटी फंड आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर को किधर ट्रांसफर कर दिया, ऊपर। तो सेम फॉर्मूला है ना, इधर का प्रेफरेंस शेयर अगर ऊपर जाएगा तो कैपिटल गियरिंग रेशियो बन जाएगा, राइट। तो ये तुम्हारे बैलेंस शीट के रेशियो होगा, किसके, बैलेंस शीट। अभी कॉम्पोजिट रेशियो सॉल्व कर रहे हैं, अब ध्यान देना है, अभी नहीं हुए, देखो इधर दिया है डेटर टर्नओवर रेशियो। क्या है, तो मैं डेटर भी पढ़ा रहा हूँ, क्रेडिटर भी पढ़ा रहा हूँ। तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद करो, क्रेडिट सेल, उधारी का माल बेचा, और किसको बेचते हम लोग, कस्टमर। तो कस्टमर कब से पैसा आता उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल और डेटर। तो क्रेडिट सेल, आओ क्वेश्चन में देखो इधर दिया है, 8,00,000 का माल बेचा है, तो ये रोकड़ा में, ओके। तो 80% क्रेडिट है ना, 80% उधारी है, तो 8,00,000 का 80% निकालेंगे, राइट। 8,00,000 का कितना परसेंट निकालेंगे, 80, तो ये हो गया क्रेडिट सेल। 6,40,000 क्या हो गया, टोटल सेल नहीं लेने का, इसका उधारी, इसका 80% लेना है, कितना लेना है, तो 6,40,000 आया। और क्या आएगा, बिल रिसीवेबल और डेटर, क्योंकि इसका पैसा आने वाला था, बिल रिसीवेबल डेटर ऊपर दे रहा है, 12 और 68। तो इसको ये 6,40,000 है, 2 डालेगा तो 70, 80। इसको सॉल्व करेगा तो 8 आएगा, बाजू में लिखने का 8 times, क्या लिखेंगे, 8 times, 8 गुना लग रहा है, 8 times, सॉल्व करके 8 आंसर आएगा, ठीक है। ये डेटा टर्नओवर रेशियो क्या हो गया, सेम इसका उल्टा है, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। क्या है, डेटा टर्नओवर रेशियो। सेल है तो क्या आएगा, परचेस, सेल है तो परचेस आएगा। बिल रिसीवेबल की जगह पे बिल पेबल, और डेटर की जगह पे डेटर। तो इधर पूछा नहीं, अगर दिया है तो लिख दो, हाँ परचेस दिया है, कितना दिया परचेस, 4,00,000 परचेस, वो भी क्रेडिट वाले लेना है ना। हाँ, बिल्स पेबल कितना है, 32, क्रेडिटर्स कितना दिया है, ऊपर दिया 48, ऊपर वाला 4,00,000 है, इसमें 2 ऐड किया, 50, 80,000। इसको सॉल्व किया तो 5 times आ रहा है, कितना आएगा, 5 times। ये हो गया क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्या हो गया, ये क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब एक खतरनाक रेशियो पूछा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या पूछा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तब ये खतरों के खिलाड़ी वाला है, और समझाता हूँ। इधर आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर, जब फॉर्मूला में बिफोर आता तो ऐड करने का, और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो अपने बैलेंस शीट किया है, तो बोरो फंड प्लस ओन फंड है ना, दोनों फंड को ऐड करेगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है ना यार, ऊपर का टैली। तो खुद का पैसा, उधारी का पैसा नीचे आएगा, उधर आएगा नेट प्रॉफिट, क्या आएगा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, और टैक्स भी ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, टैक्स। तो पहले बोरो फंड और ओन फंड ले लेता, देखो इधर तो रेडी है ना यार, ऊपर वाला बोरो फंड है, नीचे वाला ओन फंड है ना। तो बोरो फंड कितना, 1,10,000, और ओन फंड कितना, 5,18,000। इधर आ जाएगा 5,10,000, 1,10,000 और 5,18,000। यू शुड नो दैट बोरो फंड मतलब डिबेंचर, ओन फंड ये पूरी लाइन है ना यार, है ना, इन दोनों का टोटल आएगा, ओके। अभी ऊपर का क्या खेल है, नेट प्रॉफिट इधर दिया है, देखो क्वेश्चन में 60,000, कितना दिया है, 60,000 लिखेंगे।
अभी इंटरेस्ट निकालेंगे राइट। तो इंटरेस्ट किस पे निकलता है मानी में, इंटरेस्ट डिबेंचर पे निकलता है। किस पे निकलता है? एक लाख दस पे कितना परसेंट? हाँ, एक लाख दस पे वो इंटरेस्ट है वो ऐड करेंगे तो 5,500। एक लाख दस पे 5% 5,500 कितना जगह? 5,500। अभी टैक्स के रिलेटेड कुछ दिया है क्या? वो भी दिया रहेगा तो सॉल्व करने के। एक सेकंड ना बच्चों, तो टैक्स के बारे में कुछ दिया नहीं इधर, मतलब टैक्स का अमाउंट नहीं दिया ना इधर, टेबल का नहीं लेने का, टैक्स दिया रहता तो लेते थे। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में अवेलेबल था। इंटरेस्ट किस पे निकाला? इंटरेस्ट निकला डिबेंचर पे, एक लाख दस पे 5% इंटरेस्ट लिखा राइट, टैक्स नहीं दिया था छोड़ दिया। ये क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब? ओन फंड प्लस बोरो फंड। तो बोरो फंड मालूम है ना, जो अपन ने इसको सॉल्व किया ना यार, इन दोनों को ऐड करेंगे ना यार, बस ले को सॉल्व करो, ऊपर वाले को ऐड करो, नीचे वाले को ऐड करो, डिवाइड करके जो आंसर ऐड छोड़ दो। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कंपनी ने कितना पैसे में कितना पैसा लगाया और कितना कमाया, तो कितना टका कमाया। तो जिसका आर ओ सी ई, इसको क्या बोलते हैं आर ओ सी ई, जिस कंपनी का आर ओ सी ई 20% के ऊपर रहता है वो कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, जिस कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ओके, ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए काम आता है। आर ओ सी ई 20% के ऊपर है मतलब यू कैन परचेज दिस शेयर। ओके चलो, फिर क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा खासा सॉल्व करा दिया, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।